गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पोलेबियन शिरप के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके दोस्तों, नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशु, आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका मैन्युफैक्चर कंपनी। दोस्तों, इसका मैन्युफैक्चर कंपनी है प्रॉक्टर गैम्बल हेल्थ लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, एक प्राइवेट लिमिटेड है जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है ना। पोलेबियन सिरप के बारे में हम लोग काफ़ी दिनों से जानते होंगे दोस्तों सब, और उसके बाद हम बात करेंगे इसका, इसमें कौन कौन सा दवा मिला हुआ है। ठीक है, ट्राइकोलिन मिला हुआ है, ठीक है, 2.5 mg, थाइमाइन लिखा मिला हुआ है 2 mg, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड मिला हुआ 0.75 mg, निकोडामाइड मिला हुआ है 15 mg, डी पेथनॉल 3 mg मिला हुआ है, ठीक है, साइकोबलामिन 2 mg मिला हुआ। ठीक है दोस्तों, इसे रिटेल MRP आपका इसका 100 रुपये होता है, जो इजली अवेलेबल किसी मेडिकल शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसका फ़ायदे के बारे में। दोस्तों इसका फ़ायदा होता है, जैसे कम मेंटलिटी रूप से, जैसे आपको दिमागी कमज़ोरी है, जैसे कोई चिल्ड्रंस पढ़ता लिखता है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में है, कमज़ोर है, उसको पढ़ने में मन लगता नहीं, उसका दिमाग कमज़ोर है, कुछ कुछ याद करने की कोशिश करते हैं उसको याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मानसिक रूप से ये मजबूत करता है, प्लस शारीरिक रूप से भी इसे मजबूत करता है। जैसे शारीरिक रूप से कमज़ोरी है किसी तरह का, है ना, तो वो उसे दूर करता है। ठीक है ना दोस्तों, बहुत अच्छा सिरप है, आप इसे आसानी से किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हो। किसी तरह का कमज़ोरी हो, है ना, अपने चिल्ड्रंस को चाहे एडल्ट को, किसी तरह का कमज़ोरी हो, भूख नहीं लग रहा हो, है ना, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, ख़ास रूप से आपके कोई बच्चे अगर पढ़ते लिखते हैं, स्टूडेंट्स हैं, है ना, स्टूडेंट्स हैं, उसको आसानी से आप दे सकते हैं, है ना। अब मैं इसका डोज़ की बात करूं दोस्तों, इसका डोज़ है, अगर चिल्ड्रंस हैं तो 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, है ना, या दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स रिकमेंडेड, आपके डॉक्टर क्या सलाह कर रहे हैं उसके अनुसार। ठीक है, हाँ, एडल्ट है तो 10 ml सुबह शाम दे सकते हो, या 3 बार भी दे सकते हो डॉक्टर सलाह अनुसार। ठीक है, चलिए आप दोस्तों, अब इसका मैं साइड इफ़ेक्ट की बात करूं दोस्तों, तो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है जैसे कि आपको सर में दर्द हो सकता है, मितली हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है ना, असीने में जलन हो सकता है इस तरह का, या फोड़ा फन से किस तरह का निकल सकता है साइड इफ़ेक्ट करेगा तो, ठीक है ना, देहात में जलन हो सकता है दोस्तों, इस तरह का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसलिए किसी भी डॉक्टर के बिना सलाह अनुसार कोई मेडिसिन ना ले, है ना। अगर मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो प्लीज़ मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, तो ज़रूर मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाल बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, घंटी, ताकि मेरी वीडियो हर आने वाली आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।